वो कहावत तो आपने सुनी होगी, एक अनार सौ बीमार। हम आपको बता दें कि यह सिर्फ एक कहावत ही नहीं, वास्तव में एक अनार कई बीमारियों से बचने में सक्षम है। यह ना सिर्फ कैंसर व हृदय से जुड़ी बीमारियों को होने से रोक सकता है, बल्कि त्वचा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिठास और रस से भरे इसके लाल दानों में कई विटामिन और मिनरल छुपे हुए हैं। अनार खाने के फायदे के बारे में एग्नेटो के इस वीडियो के जरिए हम आपको विस्तार से बताएंगे। हालांकि अनार स्वस्थ रहने में मदद जरूर करता है, लेकिन किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्नेटो हेल्थ में। अनार कई पौष्टिक गुणों से भरपूर बेहतरीन फल है। इसमें बढ़ती कम करने के साथ साथ कील मुहासों तक को ठीक करने की क्षमता होती है। इसका निश्चित मात्रा में रस पीने से चेहरे पर निखार आता है, साथ ही इसके प्रयोग से बालों को भी कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो चलिए आइए हम आपको अनार खाने के कुछ फायदे बताते हैं। पहला फायदा, हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, यही कारण है कि इसे हृदय की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अनार के सेवन से अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और हानिकारक ऑक्सीडाइज लिपिड का असर कम होने लगता है। यह एक गुणकारी फल सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कुछ हद तक कम कर सकता है। एक अन्य अध्ययन में भी यह पुष्टि की गई कि अनार के सेवन से तनाव में कमी आ सकती है, साथ ही ब्लॉक हो चुकी धमनियों को भी खोलने में आसानी हो सकती है। अनार के बीज भी कम गुणकारी नहीं है। यह ना सिर्फ रक्तचाप को सामान्य करते हैं, बल्कि हृदय की कोशिकाओं में आई सूजन को भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर कोई गंभीर रूप से हृदय रोग से पीड़ित है तो उसे डॉक्टर से इलाज जरूर करवाना चाहिए, साथ ही घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछकर ही करना चाहिए। अगला, मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है अनार। कई वैज्ञानिक शोध में इस बात की पुष्टि की गई कि अनार में पाए जाने वाले शुगर से डायबिटीज होने की आशंका कम होती है। इतना ही नहीं, डायबिटीज के कारण होने वाले एथेरोस्क्लेरोसिस की आशंका से भी बचा जा सकता है। अनार में एलाजिक, गोलिक और ऑर्थोलॉजिक एसिड जैसे यौगिक होते हैं, जिनमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। वहीं अनार के बीज में पाए जाने वाली शुगर में एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स गुण होते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज जैसी आशंका से बचने के लिए शरीर को तैयार करता है। अगला, कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है अनार। हृदय रोग व मधुमेह के बाद बारी आती है कैंसर की। इस जानलेवा बीमारी से बचने में भी अनार काफी हद तक कारगर है। अनार पर हुए कई शोधों में पाया गया कि इसके बीजों में एंटी कैंसर गुण होते हैं। इस गुण के कारण ही अनार शरीर में एलिगिंटेनिस नामक जरूरी यौगिक को प्रभाव में बढ़ाता है, जो कैंसर कोशिकाओं को पनपने ही नहीं देता। साथ ही यह स्किन कैंसर से भी रक्षा करता है। पेट व लंग कैंसर के मामले में भी अनार के बीज लाभकारी साबित हो सकते हैं। अगला, पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है अनार। अनार के दानों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख स्रोत माना गया है। इस खूबी के कारण ही अनार आपके पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन फल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर में मौजूद वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अनार में फाइबर व अन्य जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं, जो अच्छे पाचन तंत्र के लिए जरूरी हैं। अगर अनार का सेवन तय मात्रा में किया जाए तो कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। ध्यान रहे कि अनार में एसिडिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है, जिस कारण छाती में जलन, एसिडिटी और मुंह व पेट में अल्सर जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए अनार का सेवन करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। अगला और सबसे आखिरी फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है अनार। अनार के दानों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल व एंटीवायरल गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ने इस संबंध में एक शोध को प्रकाशित किया है। इस रिसर्च में बताया गया है कि अनार के दाने इन्हीं गुणों के कारण विभिन्न तरह के बैक्टीरिया व वायरस से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक एंड शेयर करें और एग्नेटो के ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। जो हम घर पे कर सकते हैं इजीली, बिना किसी जिम इक्विपमेंट, बिना किसी डंबल रॉड। इट्स ए वायरल इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी डिसीज करता है। सर्जिकल मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्जिकल मास्क डेफिनेटली इन्फेक्टिव रेट को कम करते हैं। ये कोरोना वायरस नया है तो हम में से किसी में भी इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी नहीं है। ये जो हमें टाइम मिला है, ये
हमें खुद को एक्सप्लोर करने का टाइम मिला है। आपको ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा खाना खाना है, बेसिकली आप लोगों का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इस फाइट को, इस बैटल को जरूर जीतेंगे क्योंकि हम सभी साथ हैं, तो बिल्कुल अपना सपोर्ट भोपाल को दिखा दें।